हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सबसेट और नॉट सबसेट, यानी कि हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 3, 4 ब्लैंक 1, 2, 3, 4, 5। मैंने देखा यहाँ इसके जो एलिमेंट्स है 2, 3, 4 यहाँ भी मुझे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेम वे दूसरे में मैंने देखा ए बी सी है, यहाँ पे मैंने बी सी को देखा और यहाँ पे भी बी सी को देखा, लेकिन ए यहाँ पे था वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ दिस फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। फिर मैंने कहा यहां देखो, यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, मतलब यहां पे उन्होंने कहा है कि आपके क्लास 11th के स्टूडेंट की बात की है। मैंने कहा ठीक है, यहां पे ब्लैंक दिए और लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब उन्होंने कहा है कि भाई एक्स क्या है यहां पे, आपके स्कूल के स्टूडेंट है। डेफिनेटली हमें पता है कि जो भी क्लास के जो भी स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के स्टूडेंट का हिस्सा होंगे ही, तो यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज सबसेट ऑफ अनदर सेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। यहां पे देखो प्लेन का कोई सर्कल कहां है, कितना भी हो सकता है बड़ा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके बाद ब्लैंक दी है x सच दैट x इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी यहां पे उन्होंने कहा कि भाई ब्लैंक कह दिया कि 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल है। मैंने कहा ये तो फिक्स दे दिया, यहां पे तो कितना भी बड़ा सर्कल हो सकता है, तो ये कभी भी इसका पार्ट नहीं हो सकता, मींस इट इज नॉट सबसेट ऑफ अनदर सेट। चलिए देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। x such that x is the triangle in a plane blank x such that x is a rectangle in a plane। देखो ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कोई रिश्ता नहीं होता, तो डेफिनेटली यहाँ नॉट सबसेट, ठीक है। देखो नेक्स्ट दिया है x such that x is the equilateral triangle in a plane, अच्छा equilateral triangle दिया है, यहाँ दिया x such that x is a triangle in a same plane। देखो यहाँ सिर्फ ट्राइंगल है, मतलब सारे टाइप के ट्राइंगल आ जाएंगे, और यहाँ सिर्फ equilateral triangle है, तो मैं कह सकता हूँ equilateral triangle are the part of the ट्राइंगल, तो यहां पे सबसेट आएगा। उसके बाद दिया है x such that x is an even natural number and blank करके लिखा है x such that x is an integer। देखो इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, तो इवन की क्या औकात है, तो मैंने कहा भाई यार यू आर सबसेट ऑफ द मेन दिस सेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स हमें एग्जामिन करना है। देखो जरा यहां पे क्या दिया है, a कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी। मैंने कहा यार इसके सारे एलिमेंट इसमें है, दैट मीन्स ये तो सबसेट होना चाहिए, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, पर यहां तो लिखा है नॉट सबसेट, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां देखा मैंने ए कोमा ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब होता है ए ई आई ओ यू। अच्छा सर जी यहाँ पे ये जो ए एन ई है ना, वो यहाँ इस सेट में भी है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो मैं इसको सबसेट बोल सकता हूँ, दैट मीन्स दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। अच्छा यहाँ देखो 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो पूरा गलत है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट दिया है ए इज सबसेट ऑफ दिस ए बी सी, डेफिनेटली ये ए यहाँ पे भी है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। उसके बाद दिया है ए इज बिलोंग्स टू दिस, अरे भाई बिलोंग्स टू कब आता है, जब ये पूरा मेंबर हो, अरे ये मेंबर इसका थोड़ी है, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये तो सेट हो गया और यहाँ पे ऐसा कोई मेंबर हमें नहीं दिख रहा है। हाँ ए दिख रहा है, लेकिन ये ए है और यहाँ पे कैसे लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, तो ऐसा कोई यहाँ पे चीज़ नहीं दिख रही, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे नंबर तो कौन कौन से होते हैं। बच्चे ने कहा सर जी 2 and 4 2 and 4। देखो बाद में दिया है सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अच्छा ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं जो 36 को डिवाइड कर सके। मैंने कहा देखो 1 होता है एज वेल एज 2 होता है, मैं कह सकता हूँ एज वेल एज 3 भी होता है, एज वेल एज 4 भी होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से काफ़ी सारे नंबर होते हैं, ठीक है लिमिटेड होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मुझे यहाँ 2, 4 सबसेट ऑफ दिस सेट यहाँ डायरेक्टली दिख गया, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ दिस फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज True।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट ए इक्वल टू 1, 2, और देखो ये भी एलिमेंट है किसमें, कर्ली ब्रैकेट में दिया है, तो कुछ सोचेंगे सर अंदर सेट दे दिया, मैंने कहा नहीं, कॉमा करके जो लिखा हुआ होता है ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 और बाद में दिया है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, उन्होंने कहा जो नीचे दिए गए ये जो 10 या 11 स्टेटमेंट है उसमें से कौन से गलत है एंड क्यों, मैंने कहा ठीक है चलिए इस बार ध्यान रखना हमें गलत स्टेटमेंट कौन से हैं वो ढूंढना है। यहाँ पे दिया है कि भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, देखो ये एक्चुअली आपको दिख रहा है कि ये कोई सेट दिया है, मैंने कहा नहीं, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये यहाँ पे एलिमेंट है, ये क्या है यहाँ पे एलिमेंट दिया है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज बिलोंग्स टू ए, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये अंदर है मतलब ये एलिमेंट है, तो यानी कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा हमें वही ढूंढना था, याद रखना, यहां देखो लिखा है 3, 4 इज बिलोंग्स टू ए, तो मैंने कहा डेफिनेटली ये कोई एलिमेंट है और ये एलिमेंट इस ए से बिलोंग करता है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें ये नहीं चाहिए, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चाहिए। यहां पे बाद में लिखा है देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया, इस एलिमेंट को लिख दिया, मतलब अब ये सेट बना, अब ये सेट बना क्योंकि मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और हर चीज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो तभी वो सेट बनती है, तो इस पूरे एलिमेंट को मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो पता चला कि इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो ए में है, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये सेट इसका सबसेट होगा, तो ये भी कैसा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, पर हमें ढूंढने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए ढूंढते हैं एक और कोई इनकरेक्ट मिले तो, देखिए 1 belongs टू ए लिखा है, मैंने कहा 1 इज मेंबर ऑफ ए डेफिनेटली, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मैंने कहा 1 इज सबसेट ऑफ ए, हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ पे सबसेट की बात करें तो इस तरफ एंड इस तरफ दोनों तरफ सेट होने चाहिए, दोनों तरफ सेट होने चाहिए, जबकि यहाँ पे सेट दिया नहीं है, देखो यहाँ पे सेट दिया था क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट थे उसके अंदर एलिमेंट लिखा था। अच्छा तो ये सेट नहीं है, नहीं है, इसलिए ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो नेक्स्ट दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1, 2 and 5 इसका पार्ट है, देखते हैं क्या 1, 2 and 5 दिया है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने देखा 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, अरे बिलोंग्स टू बताता है कि इस तरफ एलिमेंट होने चाहिए, इस तरफ एलिमेंट होने चाहिए जो इसके मेंबर हो, तो मैंने देखा कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये तो सेट हो गया, तो अगर ये पूरा सेट हो गया तो सेट तो सबसेट होता है किसी का, कभी बिलोंग्स टू नहीं आता, इसलिए ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं अगला पार्ट, अगले पार्ट में मैंने देखा कि भाई 8th नंबर का क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, मैंने कहा देखो ये 1, 2 and 3 यहाँ पे कहीं 3 एलिमेंट मुझे नहीं दिख रहा, 1 है, 2 है, 5 है, और ये पूरा एलिमेंट है जिसे हम बुला सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4, और यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, तो इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहां लिखा है 5 belongs to A, अच्छा 5 belongs to A मतलब 5 कोई एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिलोंग्स टू के समय यहाँ क्या होना चाहिए, एलिमेंट, क्या होना चाहिए, एलिमेंट, तो मैंने देखा 5 एलिमेंट करके कोई यहाँ पे है क्या, नहीं है, 5 एलिमेंट नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाद में देखा मैंने 5 इज सबसेट ऑफ ए, देखो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद लिखा है कि भाई कर्ली ब्रेसिस के अंदर 5 इज सबसेट ऑफ ए, देखो 5 इसके अंदर लिखा है मतलब ये कोई सेट दिया है, कैसा, सिंगलटन सेट, और उसके अंदर का एलिमेंट दिया है 5, मैंने कहा 5 इसके अंदर मेंबर है क्या, देखो जरा यहां कहीं वो नहीं है, तो मैं कह सकता हूं दिस सेट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसा हो गया,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट नहीं है कि हम बोल दें एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. यहाँ पे दिया है फाइव कर्ली ब्रेसिस के अंदर, मतलब ये एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा सेट इसका पार्ट है, ये पूरा सेट इसका सबसेट है. पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सब फाइव करके कोई एलिमेंट ए के अंदर हमें नहीं दिख रहा, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट. यहाँ पे हमें सारे सबसेट लिखने हैं. अच्छा, बच्चे ने कहा सर जी एक बात तो पता ही है कि फाइव तो सबका सबसेट होता ही है. मैंने कहा हाँ, अब देखते हैं दूसरा कौन सा इसका सबसेट होगा. मैंने बोला ये ए भी खुद का सबसेट होगा. मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी वो भी लिखना पड़ेगा और कोई पॉसिबल नहीं है. फिर मैंने कहा कि यहाँ भी फाइव तो आ जाएगा एज वेल एज ए कोमा बी भी आ ही जाएगा. लेकिन बच्चे ने कहा सर कभी कोई ऐसा सेट दिया होता ना तो इसके एलिमेंट भी इसमें है, मीन्स दिस इज पार्ट ऑफ दिस, मीन्स मैं कह सकता हूँ दिस इज सबसेट ऑफ दिस मेन सेट. सेम वे मैं बी को भी ले सकता हूँ. तो यहाँ पर कितने सेट मिले हमें? टोटल चार सेट मिले जो कि सबसेट थे इस मेन सेट. चलिए फाइंड करते हैं नेक्स्ट इसके 1, 2 और 3, ये जो बड़ा सेट दिया है इसके कौन कौन से सबसेट होंगे. मैंने कहा देखो एक तो हमारा प्यारा 5, उसके बाद ये बड़ा सेट खुद मतलब 1, 2, 3, उसके बाद मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे 1 भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. ये तीनों सेट भी इसके सबसेट होंगे क्योंकि इन तीनों के एलिमेंट्स भी इसके अंदर अवेलेबल है. साथ में मैंने कहा यार अगर मैं 1, 2 लेता या फिर 1, 3 लेता या फिर 2, 3 लेता तो भी इनके एलिमेंट्स इसके अंदर थे, मतलब ये सबसेट भी क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट. साथ में उसके बाद देखते हैं क्या दिया है 5, ये तो बहुत ही आसान है भाई, इसका सबसेट हर किसी को पता है एक ही होगा सिर्फ, कौन सा वाला? 5, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. इसीलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए हैज इफ A=5. मतलब उन्होंने कहा कि पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे. मतलब हमें तो पता है कि पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या हो जाता है कि सारे सबसेट्स A के आप कलेक्शन करके लिखो. मैंने कहा देखो जरा A क्या दिया है? 5 दिया है. क्या दिया है? 5. अगर आप इसका सबसेट ढूंढो तो मुझे पता ही है कि वो एक ही सबसेट मिलेगा 5. अच्छा, और उसे आप कलेक्शन के फॉर्म में लिखो यानी पावर सेट ए का ढूंढो तो क्या होगा? बस इसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख देना है, बस इसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख देना है क्योंकि बस यही एक लौता 5 सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है? सबसेट है. तो बच्चे ने कहा सर यानी कि पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक है. तो मैं कह दूंगा कि भाई आंसर इज एक्चुअली 1 एलिमेंट. या पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि पी ऑफ ए हैज ओनली 1 एलिमेंट. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल. यानी हमें इन सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आपको याद ही होगा इंटरवल में हम क्या करते थे भाई, इंटरवल में हम कोई भी क्राइटेरिया मतलब नंबर्स दिए हो सपोज 2 से लेके 6 तक, तो उन्हें डायरेक्टली 2, 6 करके रिप्रेजेंट करते थे. साथ में हमने उसमें देखा था कि अगर 2 और 6 इंक्लूडेड हो तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते थे, उसी के साथ हमें पता था 2 और 6 इंक्लूडेड ना हो तो हम क्या लगाते थे? कर्ली ब्रैकेट. और उसके साथ हमने देखा था कि अगर कोई एक जगह इंक्लूडेड हो और ना हो तो उसके लिए हमने सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल देखे थे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम उसे कैसे यूज करेंगे. यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6. देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -4 बोला है, मतलब -4 से चालू करनी है लेकिन हमें -4 को इंक्लूड करना नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगाऊंगा? कर्ली ब्रैकेट. कैसा ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट. और -4 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है? 6 तक. तो -4, 6 लिख देने पर मुझे पता है कि हमें सारे नंबर मिल जाएंगे -4 से 6 वाले. पर बच्चे ने कहा सर इक्वल टू की साइन है. मैंने कहा तो ठीक है भाई मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये बताता है कि इस नंबर को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, इस नंबर की भी बात हम इसमें करेंगे. इसके बाद का क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस
12 बट लेस देन माइनस 10, मतलब यहाँ पे हमें माइनस 12 से चालू करना है और माइनस 10 तक जाना है, इनके बीच के सारे नंबर लेने हैं लेकिन माइनस 12 एज वेल एज माइनस 10 को लेना नहीं है, इसलिए मैं दोनों जगह कैसे ब्रैकेट लगा दूंगा, राउंड ब्रैकेट, कैसे लगा दूंगा, राउंड ब्रैकेट। साथ में मैंने कहा नेक्स्ट देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से चालू करो और 7 तक जाएगी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहां पे 7 को इंक्लूड करना नहीं है तो वहां पे क्या लगा देंगे हम, सिर्फ राउंड ब्रैकेट। फिर मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। बच्चे ने कहा सर एक्स की वैल्यू 3 से चालू करेंगे 4 तक जाएंगे, लेकिन यहां पे 3 को भी इंक्लूड करना है एज वेल एज 4 को भी इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज अ सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमें यहां इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं, पहला इंटरवल दिया है यहां पे -3, 0, देखो कौन से ब्रैकेट में है, कर्व ब्रैकेट में, कर्व ब्रैकेट बोलता है यार जो एंड पॉइंट्स है उसे इंक्लूड मत करो, सिर्फ बीच वाले नंबर को करो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें पता है कि एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है, जहां पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0 होगी। यहां पे इक्वल टू की साइन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें यहां पे -3 एंड 0 को इंक्लूड नहीं करना बिकॉज कर्व ब्रैकेट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6, 12, मतलब 6 से 12 तक सारे नंबर, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट होने की वजह से हमें पता चल गया कि 6 एंड 12 को भी इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। यहां पे इक्वल टू की साइन इसीलिए रखी क्योंकि यहां स्क्वायर ब्रैकेट था जो बताता है कि 6 एंड 12 को भी इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट मैंने देखा यहां पे है 6, 12 बट यहां पे है राउंड ब्रैकेट और यहां पे है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि यहां पे हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना लेकिन 12 को इंक्लूड करना है। याद रखना बीच के नंबर तो आएंगे ही लेकिन हमें एंड पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। तो बच्चे ने कह दिया सर जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे एक्स 6 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 12। यहां पे इक्वल टू इसलिए रखा क्योंकि यहां स्क्वायर ब्रैकेट था और यहां इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहां पे राउंड ब्रैकेट था। नेक्स्ट दिया है -23, 5, देखो -23 से 5 तक के नंबर, लेकिन -23 को इंक्लूड करना है बिकॉज क्या है स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे राउंड ब्रैकेट है, यानी 5 को इंक्लूड करना नहीं है। तो क्या करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे एक्स की वैल्यू -23 से बड़ी होगी, जहां पे एक्स की वैल्यू -23 से बड़ी होगी एंड लेस देन 5 होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू पे यहां इक्वल टू की साइन साथ में इसीलिए आई क्योंकि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी उन्होंने कहा है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट आप इनके लिए सोचोगे। देखो यहां पे पहला दिया है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मैंने बोला कि अगर राइट ट्राइंगल कोई सेट दिया है तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट सोचेंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स यानी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले लेंगे तो भी चलेगा, या ऑल ट्राइंगल लिख दो तो भी चलेगा जिसके अंदर राइट ट्राइंगल्स आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है उसमें भी राइट ट्राइंगल्स आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर ऑफ द सेम प्लेन विच राइट ट्राइंगल्स कंटेन। तो इन तीनों में से आप कुछ भी लिखो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद दिया है द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, मैंने बोला यहां भी हम अगर यूनिवर्सल सेट के तौर पे द सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले ले तो चलेगा, या फिर द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स ले ले तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गिवन सेट ए इक्वल टू दिस, बी सेट दिया है, सेट सी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ए बी एंड सी, यानी उन्होंने कहा है कि कौन सा इनमें से यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं इस ए बी एंड सी सेट के लिए। मैंने कहा चलिए देखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स देखेंगे तो 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 8 भी दिख रहा है, मतलब 1 से लेके 8 तक सिर्फ 7 को इंक्लूड नहीं किया गया एज वेल एज 0 को इंक्लूड
किया गया है, इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे जो पहला सेट दिया है उसमें 8 तो है ही नहीं, मतलब सारे एलिमेंट्स इन तीनों सेट के यहाँ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कहता है कि विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, जबकि यहाँ पे 8 नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट बनने के काबिल नहीं है। फिर दिया है 5, मैंने बोला 5 में तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो उसे। उसके बाद मैंने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जो भी यह एलिमेंट थे ना, देखो 1 यहाँ पे था तो यहाँ भी था, फिर 3 यहाँ पे था तो यहाँ भी था, 5 यहाँ पे था तो यहाँ भी था, एज वेल एज यहाँ 2, 4 एंड 6 दिए है तो मैंने देखा 2, 4 एंड 6 भी थे, फिर यहाँ 0 दिया है तो 0 भी था, 2, 4, 6, 8 तो 2, 4, 6, 8 सारे एलिमेंट यहाँ जितने भी सेट के हैं ना इस सेट के पास थे, मतलब ये काबिल है हमारे यूनिवर्सल सेट बनने के। अच्छा सर नेक्स्ट, मैंने कहा देखो 1, 2 से चालू किया तो पता चला 0 तो मिसिंग है, जबकि यहाँ पे 0 था तो यह काबिल नहीं है, मतलब आंसर 3 या फिर हम कह सकते हैं दिस सेट 3 इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस ए बी एंड सी। थैंक यू।